Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो भी guys, सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं बिकॉज आज हम जा रहे हैं कैची धाम श्री बाबा नीम करोली जी के पास में. हमारे 20 मिलन हुए हैं ना, तो वहीं चलते हैं, वहीं पे जाके प्रे करते हैं. और मम्मी के लिए भी, मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ना, तो वहीं पे चलते हैं. और वैसे भी वो बहुत चमत्कारी बाबा हैं, चमत्कारी मंदिर है, तो इसलिए हम जा रहे हैं. और आज का दिन हम मंदिर से शुरू करेंगे. मैं, मम्मी, साहिल और बॉय भी जा रहे हैं. हम जाने से पहले टीका लगा लेते हैं. कुराज तो स्कूल जा रहे हैं. रेडी? फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहा है, देखो चाय और पराठा. फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं. चले चलो भाई, चलो. चलाओ चलाओ, अभी चलाओ. तो गाइस गाड़ी बोबे चलेंगे बिकॉज मेरे को और इंडियन में सुबह 4 बजे सोया था और 7 बजे उठ भी गया. 3 घंटे सोया, तो थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूँ मैं. मस्त मम्मी गोद में सोएंगे अब. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कैची धाम. तो चलो चलते हैं वहाँ पे मंदिर में. तो वहाँ पे शूट नहीं करेंगे, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ना. तो गाइस मंदिर होके आ गया भाई. अंदर तो भीड़ लगी जाए मुझे देख के, फोटो वोटो की, तो काफी अच्छा लगा. तो चलो अब चलते घर. हेलो, कैसे हो? हाय. हेलो भैया. हेलो भाई. भाई भाई लोग आपके बारे में सोच रहे थे. आप मिले भाई, इतनी सारी भीड़ भैया. हेलो. आपको पता, मैं सोच ही रहा था कि सौरभ भाई मिल जाए तुम्हारा आपसे. भाई गाइस यहां तो मीटअप हो गया देखो हमारा. उत्तराखंड कैसा लगा? गाइज मस्त मीटअप हो गया. मंदिर में भीड़ लगी और पार्किंग में भीड़ लगी. भाई सब खुश भी हो गए मुझे देख के. चलो अब चलते हैं सीधा हल्द्वानी. तो फिलहाल अभी भीमताल पहुंच गए हम और बारिश स्टार्ट हो गई है. तो भी गाइज हमने लिए गर्मा गर्म पकौड़े, देखो चटनी के साथ में क्या मस्त लग रहे हैं. खाओगे? अब बॉय भैया नहीं खाएंगे क्योंकि बॉय भैया का फास्ट है. और अब हमारा प्लान है कुनाली के लिए सरप्राइज ले जाने का. कुनाली को पसंद है किंडर जॉय, तो कुनाली के लिए किंडर जॉय लेके जाएंगे. लेकिन इतने सारे उसको सरप्राइज मिलेगा, पूरा पूरा बॉक्स ले आएंगे कुनाली के लिए. कुनाली क्या भी रहता है, किंडर जॉय ले आना, किंडर जॉय ले आना. तो गाइस ये बॉक्स ले रहे हैं हम कुनाली के लिए. ये देखो गाइस कितने सारे किंडर जॉय हैं इसमें. तो मस्त सरप्राइज मिलेगा कुनाली को. भाई आज तक किसी ने लिया होगा इतना बड़ा. सोसाइटी पहुंच गए गाइस, यहां पे हमारा टीवी ठीक हो रहा है. कुनाली हाँ. आपके लिए सरप्राइज है. सरप्राइज है फाइनल. कुनाली को मेरे रूम में ले जा. इसको बोलेंगे, कुनाली को बोलेंगे कुछ ऐसा खतरनाक चीज है. इधर ढक देते हैं इसको कंबल से. आ जाओ कुनाली. क्या बढ़िया सरप्राइज आपके लिए. कुनाली गैस करो. क्या गैस करो कुनाली. डर क्यों है? हाय आप बोलो, मुझे डर लग रहा है. डरने वाली कोई चीज नहीं है ना. वो भैया ने कहा कि वो एकदम इसको उठाएगा तो उसको सरप्राइज मिलेगा, तब इसके ऊपर कंबल डाल दिया. खोलो कुनाली. कुनाली सर डाल के देखो. अब डरा दिया उसको पहले ही. हैं पहले डरा दिया उसको. आओ ना कुनाली, डर क्यों रहे हो? कुनाली खोलो यार, कुनाली ऐसे मत करो. कुनाली खोलो, आओ जल्दी आओ. आपकी फेवरेट चीज क्या है? आपने मुझे क्या लाने के लिए बोला था? हैं? तो इतना बड़ा किंडर जॉय होता है? इतना बड़ा किंडर जॉय नहीं होता ना. तो किंडर जॉय तो नहीं है. इतना बड़ा होता ही नहीं है. नहीं होता ना. और वो शेप भी गोल शेप का होता है. गाइस कुनाली को किंडर जो इसलिए पसंद है बिकॉज़ इसमें से ना टॉय निकलते हैं. देखो जैसे इसमें से ये टॉय निकला है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो हर किसी में से एक एक टॉय निकलेगा. तो कुनाली एक्साइटेड खोलने के लिए. और इसके अंदर तो ऑब्वियसली ये होता है. गाइस मैंने तो कभी खाया नहीं, मैं तो खाता नहीं चॉकलेट वगैरह. तो ट्राई करते हैं कैसा है. अब मेरा कहना मानोगे ना? अब पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई हां अब तो कर लो. ज्यादा पढ़ाई करोगे ना? इतनी नहीं कर लूंगा.
अब मैं बाहर जाता हूँ ना व्लॉग बहुत कम कर पाता हूँ बिकॉज सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, फोटोज ही क्लिक कराता हूँ मैं पूरे टाइम फोटोज ही क्लिक कराता रहता हूँ, मैं व्लॉग कर ही नहीं पाता हूँ। जैसे मैं मंदिर में था, मंदिर से निकला पूरे रास्ते में पैदल पार्किंग तक मैं बस फोटोज ही क्लिक कर रहा था, तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पा रहा था। तो हाँ, इसीलिए अब पहले की तरह व्लॉग नहीं कर पाता, लेकिन आप लोगों से मिले काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर लव। तो फिलहाल लंच करते हैं, दाल चावल बने हैं मस्त। तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। देखो गाड़ी हमारी बहुत गंदी हो रखी है, पूरी मिट्टी मिट्टी इस पे, और पीछे से ही पूरी गंदी है। देखो गाइस थार तो बोबिया को दे दी ना, तो थार बोबिया के पास में, तो आजकल मैं फॉर्चुनर ही चला रहा हूँ, सिर्फ फॉर्चुनर। और इनोवा बिकने वाली है हमारी, इनोवा बेच दी हमने। तो अभी आगे गाड़ी धुलवाने के लिए, तो फिलहाल हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। और फॉर्चुनर को धोने में लगता है पूरा एक घंटा धोने में लगता है। क्या हुआ गाइस? अभी निरुल दिखे हमको, अभी गाड़ी धुलवाने आए हो? अभी गाड़ी धुलवाने आए हो? सेलिब्रिटी। गाड़ी हमारी धुलने के लिए रेडी है। इतने गाड़ी धुल रही है, मोमोज खाने चले मार्ची पे? मोमोज खाने चलते, इतने गाड़ी धुल रही है, अभी टाइम लगेगा ना, आधा घंटा लगेगा अभी। गाइस यहाँ के मोमोज मस्त होते हैं। आगे अपने, नहीं नहीं एक ही, अभी एक ही खाते हैं भाई। गर्म 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 गर्म। तो गाइस एक प्लेट तो खा ली है, एक और खाते हैं। भैया एक और बना दो भैया, एक बर्गर बना दो। गाइस सेकंड प्लेट भी आ गया, लेकिन हम चार जने खाने वाले। अब चलते हैं गाड़ी लेने अपनी। ये देखो आगे से भी मस्त हो गई है। तो भी गाइस आगे दुकान पे, घर थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, तो यहाँ से दाल नमकीन वगैरह लेना है। तो गाइस सारा सामान ले लिया। तो गाइस अब मैं करता हूँ पैकिंग, कल मेरे को जाना है दिल्ली, फिर दिल्ली से मुझे जाना है बॉम्बे, मेरा एक शूट है। और अब की बार बॉम्बे काफी मजा आने वाला है, बहुत मस्त प्लान है मेरा एक, होपफुली वो हो जाए बस। वहाँ तो गर्मी होगी तो टी शर्ट वगैरह ही ले जाऊंगा मैं, यहाँ तो फिर भी ठंड है थोड़ी थोड़ी। व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्राउन ब्लू। गाइस कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बॉम्बे जाऊंगा, मैं हर महीने बॉम्बे आ रहा हूँ, एक या दो बार तो बॉम्बे जा ही रहा हूँ। सीरियसली गाइस मैं तो सोचता था कि मैं कभी फ्लाइट में एक बार बैठूंगा, कभी फ्लाइट में एक बार बैठूंगा। अब तो मतलब मैं कंपनी के थ्रू जा रहा हूँ हमेशा, होटल फ्लाइट्स शूट्स। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है, अब फिलहाल मैं ड्राइंग करता हूँ, और मुझे ड्राइंग कंप्लीट करनी है अब दो दिन में, आज चौथा दिन है आज। तो भी गाइस बनाए जा रहे हैं बाल, तो गैस करो ये किसके बाल हैं, बहुत स्लो स्लो काम करना पड़ता है। तो गाइस फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, चार दिन लग गए बनाने में, और देखो रात के एक बज गए हैं। अभी मैं आपको दिखा दे रहा, बाद में दिखाऊंगा अच्छे से। लेकिन गाइस बहुत नेक्स्ट लेवल बनी है, आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, आर्ट चैनल पे इसकी वीडियो भी डाल दूंगा मैं, सरप्राइज करेंगे जिसको जिसकी बनाई उसको सरप्राइज करेंगे। चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पूरे 15 घंटे लगे इसको बनाने, 15 घंटे से ज़्यादा, चार दिन का टाइम, और रात रात को बनाना था मैं, रात रात को जाग जाग के। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डर लग रहा है इसको देख के। ओ भाई अच्छा डर रहे हो ना भाई? आए भी इधर ही है यार, इधर ही आए एकदम से हमारे पास।